चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपको और आपके परिवार में हमेशा खुशियां लेके आए, सुख लेके आए और समृद्धि लेके आए। मैं माँ लक्ष्मी की दीपावली के दिन कैसे पूजा करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा दीपावली की माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए लकड़ी की चौकी, या जहाँ आपने मंदिर में ही पूजा करनी है तो आप वहाँ कर सकते हैं। अगर अलग से मंदिर बनाना है तो आपको चाहिए लकड़ी की चौकी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, रोली, चावल, मोली, हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी, कौढ़ी, हल्दी की गांठ, धूप, दीप, जनेऊ, आम के पत्ते जिसका हम कलश बनाएंगे, दूर्वा, कपूर। कलश बनाने के लिए चाहिए हमें एक कलश या लोटा, तांबे का या पीतल का हो, जटा वाला नारियल। नारियल को हम कपड़े में लपेटेंगे और मोली से बांधेंगे, और चाहिए गंगा जल, फूल, फल, मिठाई, और एक लक्ष्मी जी के भोग के लिए हम खीर जरूर बनाएंगे और चरणामृत जरूर बनाएंगे। ये पंचामृत बनाया है मैंने, और पान में लक्ष्मी जी को हर दीपावली पे विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी के लिए मैं पान का भोग जरूर लगाती हूँ। चौकी पर बिछाएंगे लाल कपड़ा। कपड़ा बिछाने के बाद लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की फोटो लगाएंगे। विष्णु जी की जरूर लगानी है, क्योंकि जहाँ विष्णु जी होते हैं लक्ष्मी जी का स्थायी निवास वहीं पर होता है। जो चांदी के गणेश लक्ष्मी जी है मैं उन्हें भी विराजमान कर दूंगी। फिर कलश विराजमान करेंगे। कलश का मैंने आपको पहले बताया ही हुआ है, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। आम के पत्तों पर भी रोली और हल्दी से टीका लगाएंगे। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी ले सकते हैं। इसमें गंगा जल और पानी मैंने पहले ही डाला हुआ था, फिर इस पानी में डालूंगी एक कौड़ी, सुपारी, हल्दी की एक गांठ और इलायची। कलश पर मोली भी बांध देंगे। इस पर रखेंगे प्लेट। प्लेट पर डालेंगे थोड़े से चावल। नारियल पर भी स्वास्तिक बनाएंगे और ये लपेट देंगे, और इसको मोली के धागे से बांध देंगे। वैसे कलश पूजन की वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। कलश के नीचे रखेंगे चावल थोड़े से, और कलश को विराजमान कर देंगे। फिर हम सबसे पहले गंगा जल और पानी जो मिक्स किया हुआ उससे हम आचमन करेंगे। ओम लक्ष्मणाय लक्ष्मणाय नमः, ओम महालक्ष्मणाय नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम विष्णवे नमः। इस तरीके से हम आचमन करेंगे। फिर हम गणपति जी को तिलक लगाएंगे, ओम गंगणपतये नमः। फिर लक्ष्मी जी को लगाएंगे, ओम महालक्ष्मणाय नमः। फिर विष्णु जी को भी तिलक लगाएंगे, कलश पर भी लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे हल्दी से तिलक, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर हम मोली लेंगे, मोली को थोड़ा सा तोड़ेंगे और गणपति जी को पहनाएंगे, ओम गणपतये नमः, ओम लक्ष्मी नमः। फिर ये मोली से एक माला बनाएंगे, वो विष्णु जी को भी पहनाएंगे।
फिर लक्ष्मी जी को भी माला पहनाएंगे मोली की, फिर हम जनेऊ लेंगे, जनेऊ पर हल्दी लगाकर गणपति जी को चढ़ाएंगे और दूसरी जनेऊ पर हल्दी लगाकर ये हम विष्णु जी को पहनाएंगे। फिर दूर्वा लेंगे, ये भी गणपति जी को अर्पित करेंगे। फूल लेंगे, फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। फिर लक्ष्मी जी को माला पहनाएंगे। अगर आपको कमल के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप कमल के फूल भी चढ़ा सकते हैं। फिर विष्णु जी को भी फूल चढ़ाएंगे और कलश पर भी फूल रखेंगे और हाथ जोड़ेंगे। दिए आप कितने भी ले सकते हैं, ये दो दिए लेंगे, एक घी का जलाऊंगी मैं और एक दिया सारी रात तेल का जलेगा लक्ष्मी जी का। बाकी आप कितने भी दिए जला सकते हो, आपने मंदिर में 7, 11, 21 या घर की हर बालकनी में, छत पर, कहीं पर भी कितने भी दिए लगा सकते हो। तो मैं एक घी का दिया और एक तेल का दिया जलाऊंगी, लक्ष्मी जी के आगे मैं तेल का दिया जलाऊंगी और विष्णु जी के आगे मैं घी का दिया जलाऊंगी। जो दिए का मुंह होगा वो हमें अपनी तरफ रखना है, लक्ष्मी जी की या विष्णु जी की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखना। फिर ये मैंने गुलाब का इत्र लिया है, ये भी लक्ष्मी जी पर रुई से लगाकर लगा देंगे। ओम लक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम गणपते नमः। आज के दिन माता को खील और बताशे का भी भोग लगता है, तो ये भी हम उनके भोग के लिए रखेंगे। जो फ्रूट हमने लिए थे उनका भी भोग लगाएंगे। दियों को हम पहले ही जला लेंगे, फिर एक दिया लेंगे चांदी का, आप मिट्टी का भी ले सकते हो, कोई भी दिया ले सकते हो। उसके अंदर कपूर डालकर विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती तो हम नहीं करेंगे, आज के दिन कहते हैं कि आरती लक्ष्मी जी की नहीं करनी चाहिए, हम वैसे ही पूजा कर लेंगे। फिर चरणामृत का भी भोग लगाएंगे माँ लक्ष्मी को और विष्णु जी को, आप खीर का भोग भी जरूर लगाएं। फिर जो हम धूप जलाएंगे उससे भी माँ लक्ष्मी जी को धूप दिखाएंगे, विष्णु जी को, फिर माँ लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगाएंगे और गणपति जी को लड्डू विशेष प्रिय होते हैं तो उनके हम लड्डू का भोग लगाएंगे। फिर मैं लगाऊंगी पान का भोग माँ लक्ष्मी को, विष्णु जी को, और एक पान का भोग लगाएंगे हम कलश पर, क्योंकि कलश पे सभी देवी देवताओं का वास होता है तो उनकी भी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम धूप और दीप दिखाकर इनको अच्छे से आरती नहीं करेंगे, जो भी मंत्र हमने बोलना है या जो भी पूजा करनी है वो हम करेंगे। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। फिर हम लक्ष्मी जी की स्तुति करेंगे और लक्ष्मी जी की वंदना करेंगे। अगर आपको ये सब नहीं आती है तो आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम गणपते नमः ये भी कर सकते हैं। मैं अब लक्ष्मी स्तुति का पाठ करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे नमस्तस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो ये मैंने लक्ष्मी जी की पूजा की। उसके बाद आपको कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए लक्ष्मी जी के लिए। ये जो दिए हमने जलाए होंगे, ये मंदिर में आपने खाली ये नहीं कि हमने एक घी का दिया जला दिया और एक तेल का जला दिया, दो दिए नहीं जलाने हैं, उसके बाद भी हमें 5-7 दिए और जलाने हैं
और बाकी दिए हमें अपने पूरे घर में रोशन करना है, घर के हर कोने कोने में दिया जलाना है। दीपावली का मतलब यही होता है कि हमारा घर का हर कोना कोना दियों से जगमगाए। तो ये था दीपावली का पूजन, जैसा मुझे आता है, जैसा मैं हर साल करती हूँ वैसा मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।